नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी एवरीवेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप ने अभी अभी जो अपना नया अपडेट निकाला है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट अपडेट निकाला है। मैंने अभी अपडेट कर लिया है अपने जो व्हाट्सएप में यूज कर रहा था, तो इस अपडेट में होगा क्या है? इस जो अपडेट है इसका हम सबको इंतजार था। अभी अभी व्हाट्सएप ने नया फीचर लॉन्च किया इस अपडेट में। इससे होगा क्या कि जो आप मैसेज भेज चुके हैं 7 मिनट के अंदर उस मैसेज को आप डिलीट कर सकते हैं, दूसरे वाले के फोन की गैलरी तक से डिलीट हो जाएगा वो। अगर आप अपने दूसरे फोन से जिस फोन से सेंड किया है उसको डिलीट कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या, आप कोई ऐसा पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं तो तुरंत बिना जब तक वो स्क्रीनशॉट ले, आप जैसे ही भेजे, जैसे ही वो डिलीवर्ड का टिक आए, मतलब जैसे ही ब्लू टिक से आते हैं ना, ब्लू टिक जैसे ही आए तुरंत आप उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। वहां पे लिखा आ जाएगा योर मैसेज हैज बीन डिलीटेड, ऐसे करके लिख कर आ जाएगा और उसको मैसेज वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। तो अब इसको करना क्या है, तो अब आपके जो भी स्क्रीन है उसके राइट या लेफ्ट साइड में, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पर रखा हुआ है एडिटिंग में, एक स्क्रीन आ रही होगी फोन की। तो उस फोन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि व्हाट्सएप को आपको क्या करना है जिससे कि व्हाट्सएप आपका ये हो जाए, जो भी डिलीट करते हैं वो कैसे हो जाए। अब देखिए अब करना क्या होगा आपको इसके लिए। कोई भी पहले तो मैसेज सेंड कर देता हूँ मैं, जैसे कि मैं हेलो सेंड कर देता हूँ या फिर हाय, जो भी वगैरह मेरे को सेंड करना था वो मैं सेंड कर देता हूँ। अब जैसे कि एक टिक आ चुका है, हम करना क्या होगा मेरे को, ये जो हेलो का टिक है इसको डिलीट करने के लिए मैं थोड़ी देर हेलो पे क्लिक करूंगा थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं यहाँ पर ऊपर जो डस्टबिन जैसा आइकन आता है ना, डिलीट का आइकन होता है वो, उस पर जब मैं क्लिक करूँ उसमें ऑप्शन आएगा डिलीट फॉर मी, सेकेंड आएगा कैंसिल और थर्ड आएगा डिलीट फॉर एवरीवन। तो आपको करना क्या है, डिलीट फॉर मी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही मैसेंजर वगैरह पे देखते हैं या और मैसेंजिंग एप्स में आप देखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि अगर आपने कोई मैसेज सेंड कर दिया तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अपने ही फोन से डिलीट होता है वो, दूसरे के फोन से डिलीट नहीं होता है। तो अगर आप डिलीट फॉर मी पे क्लिक करेंगे तो मेरे फोन में वो अपीयर होना बंद हो जाएगा और दूसरे के फोन में तो वो अपीयर रहेगा ही। कैंसिल करेंगे तो ये डिलीट होना कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है वो, तो हम सभी जानते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, तो नॉर्मल सी। डिलीट फॉर एवरीवन पे जब मुझे क्लिक करना पड़ेगा इस चीज के लिए, ठीक है, और जब मैं डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यू डिलीटेड दिस मैसेज और वहां पे लिख के आएगा, लेकिन वो मैसेज यहां पर दिखाई नहीं देगा। वो मैसेज यहां पर है, अब वो चला गया है। अब उसकी जो फोन की गैलरी, अगर आप ऐसी फोटोज भी सेंड करते हैं तो उसकी फोन की गैलरी में से भी वो निकल जाए। दोस्तों फिलहाल के वीडियो के लिए इतने, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी का अभी लाइक कर दीजिए, बिना लाइक करे मत जाना प्लीज, बिना लाइक करे मत जाना। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के वीडियो को लाइक नहीं, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna save.